नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। मजदूरी कर लौट रहा 30 वर्षीय मजदूर की नदी में डूबकर मौत। 15 घंटे की तलाश के बाद मिला शव। परिवार वालों ने दूसरे मजदूर पर लगाया हत्या का आरोप। खबर जिला बरेली के नवाबगंज स्थित करवला के पास बह रही नदी से एक 30 वर्षीय मजदूर की कल शाम डूबने से मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक इरफान शाह अपने 3 साथियों के साथ पास के गांव नवादा में कुछ लोगों के साथ मजदूरी करने गया था। शाम को लौटते समय उसके साथ के 2 लोग साइकिल से आ रहे थे और मृतक व उसका एक साथी गुड्डू अंसारी नदी के रास्ते से घर आ रहे थे। इस दौरान इरफान नदी में डूब गया जबकि उसका साथी गुड्डू नदी को पार कर गया। जब काफी देर तक इरफान घर नहीं पहुंचा तो परिवार में खलबली मच गई। साथी मजदूर गुड्डू अंसारी के घर जाकर पूछताछ की लेकिन गुड्डू अंसारी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद परिवार के लोगों ने गुड्डू अंसारी के खिलाफ नवाबगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुड्डू अंसारी को अपनी हिरासत में ले लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि इरफान नदी में डूब गया है। काफी तलाश के बाद आज स्थानीय गोताखोरों ने मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने गुड्डू के खिलाफ थाने में नामजद तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। क्या नाम आपका? मोहन। ये आप गोताखोर हैं? हाँ जी। ये जो लड़का डूबा था ये कई घंटे तलाश करने के बाद आपको मिला? हमें 1.5 घंटे बाद। अच्छा, कई लोग थे आप? 11 लोग। कितने किलोमीटर दूरी पर मिला ये? जैसे होगा 2 किलोमीटर दूरी पर मिला हमें। अच्छा, आप 11 लोग थे? 11 लोगों ने तलाश किया? हाँ जी। तो कैसे तलाश कर पाए आपसे? वहाँ ढूंढ रहे थे, यहाँ घास मिला थे हमें, एक हाथ दिखाई पड़ा था उनका से, वो हाथ से हमने पकड़ खींचा था उन्हें। उधर डूबे तो उधर थे वो, उधर अगले डूबे तो वहाँ पर थे। 2-2.5 किलोमीटर इधर मिले, यहाँ से रेल गई थी ना उनकी, जैसे डूबने वाला तो वैसे मिल जाता है पानी में, जब वो डूबता है तो वो कच्ची जैसे पानी के अंदर चलता है।